रहा क्या? मेरे पास पैसे नहीं है कुछ भी। पैसे दे मुझे, पैसे दे सर, समझ में नहीं आ रहा। मेरे पास मेरे बेटे के ऊपर, मेरे बेटे के ऊपर हाथ क्यों छोड़ रही है? कैसे दिया मेरे बेटे के ऊपर? मेरे बेटे के ऊपर हाथ कैसे छोड़ दिया? धक्का कैसे दिया? तुम्हें बच्चों को छोड़ दे, तू हमें छोड़ दे। कैसा फालतू बोल रही है तू? है कौन है तू? कैसा फालतू बोल रही है तू? कौन है? ये मेरा बेटा है। लिमिट में बोल रहा हूँ ना, हाथ हाथ लगा रही है, लिमिट में रह, चुप चुप है। हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। माय नेम इज कबीर, एंड कबीर के पंचर में आपका स्वागत है। गाइस, मैं चुका हूं फिर से एक हेल्पिंग वीडियो के साथ, और इस वीडियो में हेल्प कर रहा हूं अंकित की और उनके फादर की। इनकी जो प्रॉब्लम है, ये किसी लड़की से प्यार करते हैं, उनसे इन्होंने शादी कर ली। शादी करने के बाद इनको बताया, इनके फादर ने उसको एक्सेप्ट भी कर लिया है, बट एक्चुअल में क्या हो रहा है दिक्कत कि अब वो इनको परेशान कर रहे हैं कि इन पर झूठा दहेज का केस लगा दिया है और इनके ऊपर लगा दिया छेड़छाड़ करो क्योंकि इनकी वाइफ नहीं है। ठीक है, तो भाई साहब एक्चुअल में क्या हुआ पहले आप बताएं। कुछ नहीं भाई साहब, इन दोनों की लव में प्यार करते थे एक दूसरे पर, फिर मेरे पास आए कि पापा मैं ऐसे ऐसे शादी करना चाहता हूँ, मैंने एक लड़की पसंद करी है, उम्र भी नहीं थी। मैंने कहा चलो यार, मेरी वाइफ भी नहीं है, बच्चे अपना दोनों अपना परिवार अपना खुश है, अपना कोई दिक्कत नहीं है। कोई बच्चा नहीं है आपका? नहीं, एक ही एक मेरा लौता बेटा है। अच्छा, एक लौता था। हाँ, तो मैंने इन दोनों की शादी एक्सेप्ट कर ली। फिर उसका मैंने कहा चलो खुश रह रहे, अपना कोई बात नहीं, जैसा भी अपना, मेरे बेटे को तो खुश रख रही है ना, कोई दिक्कत नहीं है। मेरे को तो वैसे ही नहीं पूछती थी। फिर उसे कुछ दिन बीते नहीं, मैं बेटे को परेशान करने लग गई इनको, फिर दहेज का वो पैसे मांगने लग गई मुझे। अच्छा, इतने अच्छा। पैसे दो मुझे, ये करो। तो उसके कुछ भाई फ्रेंड फ्रेंड भी हैं क्या उसके? कुछ हाँ, उसके फ्रेंड कुछ बोलते हैं कि हाँ तू बोला कर इसे। अच्छा। वहीं से ये सब कुछ, पहले ठीक थी अब हो गई वैसी। अच्छा, तो ये कब से चल रहा है तेरे साथ? ये एक डेढ़ साल हो गया इसको। अच्छा, एक डेढ़ साल। तो शादी को कितना टाइम हो गया? तीन साल हो गए। तीन साल हो गए, तो तुमने तो बहुत कम उम्र में शादी कर ली थी। तुम एक बात सोचो, तुम इस कम उम्र में शादी तो कर ले, तो तुमको एक चीज़ पता है तुम्हारे बाप को क्या हाल देखना पड़ रहा है? भाई साहब आप पे क्या इल्ज़ाम लगा रखे? मेरे पे छेड़छाड़ का इल्ज़ाम लगा दिया, जबकि मैं उसके बाप की उम्र का हूँ, मैं बेटी मानता हूँ उसको, और मेरे को छेड़छाड़ का कि मेरे को छेड़छाड़ करता तेरा बाप, ये करता वो करता है। करे बात बताओ, ये आप पे देखो, मुझे जैसा लग रहा है जैसे वो ये उनसे बहुत ज़्यादा प्यार करता है, इतनी कम उम्र में अगर उन्होंने शादी कर ली है तो कुछ तो रिस्पॉन्सिबिलिटी लेकर होगी। तो आपके ऊपर तो पता नहीं क्यों मुझे यकीन सा नहीं हो रहा। तो आपको कब उसने बोला, मतलब छेड़छाड़ करा, कब आरोप लगाया? मेरे को अभी कुछ महीने पहले ही मेरे को आरोप लगा रहेगा, मेरे को परेशान कर दिया पैसों के लिए कि मुझे पैसे दो, मुझे पैसे दो, वरना मैं पुलिस कंप्लेंट कर रही हूँ। नहीं, ये झूठ बोल रहे हैं इस बात में। वो मुझे परेशान कर सकती है, लेकिन इनको कुछ नहीं कहा है। बेटा मेरे को झूठ बोल के मिलेगा क्या, ये तो बताओ। नहीं, उस वो मुझे ये पता कि दहेज का उसने लगाया है, लेकिन मुझ पे लगाया उसने। बेटा तुझे उस लड़की का नहीं पता है, मैं इसलिए पहले मना कर रहा, फिर भी मैंने तेरी खुशी के लिए उसको हामी भर दी, चल तुम दोनों शादी कर लो। मैं अपने प्यार के लिए उससे शादी की है। तू एक बात होता, मेरी बात सुन, वो अपनी जगह ठीक है, वो बाप है, तेरी कम उम्र में शादी हुई, कोई भी इस उम्र में ना एक्सेप्ट नहीं करता शादी। इन्होंने लव मैरिज एक्सेप्ट करी है, तो फिर भी अपने बाप पे इल्ज़ाम लगा रखा है, इन्होंने छेड़छाड़ करी होगी। लेकिन वो ऐसी लड़की है ही नहीं। तो मतलब उसने झूठे दहेज का केस लगा रखा है, तेरे पे हाथापाई करती है, गाली गलौज करती है, फिर भी तुझे यकीन नहीं हो रहा? नहीं, वो मुझसे बहुत ज़्यादा प्यार करती है, मैं उसे करता हूं। पी कर आती है घर पे, पी के आती है, और तब भी ये इसको लगता है कि वो बहुत अच्छी लड़की है। वो कभी कभार हो जाता है, वो पार्टीज में अपने दोस्तों के साथ हुआ है। ऐसा लग रहा है भाई, देखो मैं आपको बताता हूँ, ऐसा लग रहा है कि इसकी आंखों पे तो पट्टी बन चुकी है, क्योंकि इसको कुछ एहसास हो नहीं रहा है कि क्या है, अपने बाप को गलत ठहरा रहा है। तो भाई देख, अगर ये आदमी सही हुआ, अगर तेरे बाप पिताजी सही हुआ, फिर तो तू मुँह दिखाने लायक नहीं रहेगा। एक बार सोच के तो देख, क्या पता वो गलत हो। और कोई दिक्कत नहीं भाई साहब, टेंशन ना लो, अभी हम क्या करेंगे, इसको मैं अपने साथ लेके जा रहा हूँ, ठीक है? और पहले हम आपको अकेला बिठाते हैं, देखते हैं कि आपके साथ वो कैसा बिहेव करती है, समझ गए आप? आप माइक अपने पास रखो, और भाई मैं जा रहा हूँ कैमरे के वजह, तू मेरे साथ चल, ठीक है? टेंशन मत लेना, फ्री होकर जैसे वो बात करती है ना वैसी बात करना, ठीक है? ठीक, हाँ बेटा। बेटा बेटा नहीं हूँ मैं, तेरी बता, बस पैसे लाया। पैसे लाया हूँ मैं, तू बैठ तो सही। क्यों बैठू? तू पैसे लाया, बैठो तो सही, एक मिनट बैठो तो। मेरे पास इतना टाइम नहीं है, देख तेरे साथ जो बकवास करूँ। बेटा मैंने देखो कुछ नहीं किया था, तुमने मेरे ऊपर गलत इल्जाम लगाया। अबे मैं कुछ भी कर सकती हूँ यार, मैं लड़की हूँ, समझा? और मेरे बेटे के भी तुमने कान भर दिए, उसको भी तुम वो परेशान कर, उसको भी परेशान कर रहे हो। प्यार करता वो अंधा है मेरे प्यार में, समझा तू? वही उसी का तो फायदा उठा रही हो तुम। अरे वो उठा रही हो, प्यार करता है। देख तू मेरे पैसे दे, मेरे पास पैसे नहीं है। पैसे दे यार, बैठ तो सही, बैठो तो बात तो करे, एक मिनट इधर सुनो। पैसे देगा? मेरे पैसे नहीं, पहले बैठो तो सही। इतना टाइम नहीं है, मैं तेरे से बात करूंगी, मैं तेरे से क्यों बात करूंगी? ये मैं तुम्हारे बाप की उम्र, ये क्या कर रहे हो धक्का होकर, क्या दे रहे हो? मेरे को मत ज्ञान दे मेरे बाप की उम्र का, चल तुम्हारे बाप नहीं है। एक तो तुम लोगों की शादी मैंने एक्सेप्ट की है, ऊपर से वो की हो रहे हो तुम। मेरे पे एहसान क्या है?
तुम दोनों एक दूसरे से, तुम दोनों ही आए थे मेरे पास शादी के लिए। जा तेरे लड़के को लेके कहीं भी चली जाऊंगी, उससे भीख मंगवाऊंगी और तू मेरे को पैसे दे। मेरे पास पैसे नहीं बेटा, पैसे दे। मैं क्यों दूं पैसे? चल तू पैसे दे, तेरे को समझ में नहीं आ रहा। ये क्या तरीका? मेरे पास नहीं है पैसे। एक फोन घुमाऊंगी तेरे बेटे को, बोलूंगी आज तूने मुझे होटल बुलाया, समझा? तुमने नजायज फायदा उठाया हुआ है। मिल रही है तेरे को, से पैसे मांग रहे हो तो तेरे को समझ में नहीं आ रहा? मेरे पास पैसे नहीं है कुछ भी। पैसे दे मुझे, पैसे दे, समझ में नहीं आ रहा मेरे पास। मैं क्यों पैसे दूं तुम्हारे को? तो शर्म नहीं आ रही इन पे हाथ उठाते हुए? बेबी ऐसा कुछ नहीं, आप इधर बैठो ना। आपको तो पता है आपके डैडी कैसे हैं, आपको तो पता है आपके डैडी कैसे हैं, आपको तो पता है पापा जी कैसे हैं, फिर भी आप मेरे को बोल रहे हो? नहीं तो आपसे, आपको मेरे को प्यार, आप मेरे से प्यार नहीं करते? तूने मुझ पे दहेज का इंजाम लगाया, मैंने सह लिया, लेकिन इनको इनके बराबर कैसे? बैठ इधर, चल। क्या दहेज का इंजाम लगाया मैंने? क्या दहेज का इंजाम लगाया? मेरे को तेरे से प्यार नहीं है, समझा? मेरे को तेरे से बिल्कुल भी प्यार नहीं है। मेरे को तेरे पैसों से मतलब है, बस बात खत्म। मेरे को तुम लोगों की प्रॉपर्टी से मतलब है, मेरे को तुम दोनों तेरे से कोई प्यार व्यार नहीं। और तू बैठा मेरा बाप है, देख रहे हैं? अभी भी तू कुछ नहीं बोल रहा उसको, नीचे बैठ, चल। अभी तू नीचे बैठना, मेरे को पता तू कुछ नहीं कर सकता, समझा? तू बस बेबी बेबी ये बेबी वो बेबी, तू बस मेरे पीछे पीछे घूम सकता है, समझा? एक वो सुना है ना, जैसे एक कहावत है, उसके तरह है तू, समझा? उसके तरह है तू। तू नीचे बैठना, तू मेरे सामने क्यों खड़ा है? देख मेरे को तेरे से कोई मतलब नहीं है, ना मेरे को तेरे से प्यार था, समझा? मेरे को तेरे बाप से मतलब है, क्योंकि तेरे पास तो ये है। क्या धक्के क्यों मार रही है मेरे बेटे को? मैं बेटे को धक्के क्यों मार रही है? बेटा इधर बैठ, मेरे को क्योंकि तेरी सारी प्रॉपर्टी नहीं है। नहीं है मेरे पास कोई, मैं को तेरे लिए प्रॉपर्टी थोड़ा इकट्ठा कर रखा हूं। देखो तुम दोनों के ड्रामे मैं नहीं देख सकती, तूने हम बिल्कुल नहीं देख सकती। तूने हम दोनों की जिंदगी खराब कर दी है, मेरे बेटे की तूने जिंदगी खराब कर दी है। मैं तेरे से क्यों प्यार करूं? ओ माय गॉड, मैं तेरे से प्यार करूंगी? तेरी शक्ल है, सुन ले, शक्ल है मेरे से प्यार करने की है? मैं बेटे को हाथ क्यों छोड़ रही है तू? मेरे बेटे को हाथ कैसे छोड़ रही है तू? सबको तुम दोनों मिलके मेरे को बोल रहे हो? मेरे को बस तेरी बुढ़े प्रॉपर्टी से मतलब है, ना मेरे को तेरे से मतलब है। तू निकल यार, तू निकल। मेरे पास नहीं है कोई प्रॉपर्टी, मैं कोई प्रॉपर्टी गरीबों को दान नहीं देने के लिए मैं मैंने करी। हां मैं तेरे को गरीब, तू मेरी खुशी लगती है अब? मैं तेरे को गरीब नजर आ रही, मेरे घर में नहीं रह सकती। जाना कोर्ट मैरिज किया, तुम दोनों को घसीट दूंगी। तू अब मेरे घर में रह भी नहीं सकती, तुम दोनों को घसीट दूंगी। धक्का मत मार, तू मुझे ज्ञान क्यों दे रहा है? तेरे बाप समान है, मुझे ज्ञान क्यों दे रहा है? तेरे बाप समान है, तू बाप समान है, मेरा बाप नहीं है, समझा? वो मेरा बाप समान है, मेरा बाप नहीं है। पता नहीं कहां से तू, किस लड़की से कैसे तूने प्यार कर रखा है? अबे उसने प्यार करा, तेरे को क्या मतलब? तेरे को क्या मतलब? जिंदगी तो तूने मेरे बेटे की खराब कर दी है। हाय हाय भगवान, पैसे 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 तुम दोनों ने। तू बीच में क्यों बोल रहा है मेरे? हाथ मत छोड़ो, हाथ मत छोड़ो मेरे बेटे पे, हाथ मत छोड़ो मेरे बेटे पे। छोड़ूंगी मैं, तेरे पे भी छोड़ूंगी। बोल तू मेरे को पैसे देगा? मेरे पास पैसे नहीं है। देगा? देख नहीं है मेरे पास पैसे। मैं एक केस करूंगी, हम दोनों घिसोगे। बोलो, झूठा इल्जाम लगा रहा है, कुछ नहीं मिलना तुम्हारे को। झूठे ऐसे झूठ बोल के पैसे नहीं मिलने वाले। धक्का क्यों मार रही है? तू बीच में क्यों आ रहा है? धक्का क्यों मार रही है मेरे बेटे को? तू मेरे को छू रहा है? मैं बेटे को धक्का मार? तू मेरे को छू रहा है? मैं बेटे को धक्का क्यों मार रही है? चल तू ससुर था ना, क्या हुआ तेरा? हैं क्या तू? तो बहुत देख, मैं प्यार से बोल रहा हूं, मैं बेटे को धक्का। तू बीच में मत आ ना, तू बीच में क्यों आ रहा है? तू बीच में क्यों आ रहा है मेरे? मैं बेटे को धक्का क्यों मार रही? मैं बेटे को मार क्यों रही? मैं बेटे को मार क्यों रही है तू? मेरे पास कोई प्रॉपर्टी नहीं है बेटा, मैं हाथ जोड़ रहा हूँ, मेरे पास नहीं है कुछ। तुम्हें बच्चों का, तुम्हें बच्चों को छोड़ दे, तू हमें छोड़ दे। कैसा फालतू बोल रही है तू? है कौन है तू? कैसा फालतू बोल रही है तू? कौन है? बताऊं तुझे अभी? तूने मारा कैसे? इधर को आ। तूने मारा कैसे मेरे? हाथ चला रही है, हाथ चला रही है, बताऊं तुझे? तूने मारा कैसे? यहां बैठ, बैठ बैठ। तू मार कौन रहा है? हाथ छोड़। ये घूमते मैं ना तुझे दीवार के अंदर पार कर। तू कौन है? लिमिट में रह, बताऊं तू कौन है? तू कौन है बताऊंगा? तू मेरे को मार क्यों रहा है? तूने मेरा बेटा है, लिमिट में बोल रहा हूं ना। हाथ हाथ लगा रही है, लिमिट में रह, चुप चुप रह। इन्होंने मुझे बुलाया, समझ में तुझे? तूने बुलाया इसे? हां बुलाया, तूने बुलाया? तेरी प्लानिंग है, तेरी प्लानिंग है। मैं बेटे को हाथ क्यों छोड़ रही है तू? देख रहे हो क्या कर? हाथ कैसे छोड़ रही है तू? है बताओ तुझे अभी? तू मुझे मार क्यों रहा है? अबे तू है कौन? इसने मुझे बुलाया, इधर इधर इसकी तो, इसकी तो गलत है। हेलो, मैं बेटे को हाथ मत लगा, इसका तो मैं यहीं पे गला। तू मेरा हाथ क्यों पकड़ रहा है? क्यों पकड़ रहा है? तू मेरा हाथ, तू मैं थप्पड़ क्यों मार रहा है? सुन तुझे पता, तू कहां हट जा। देख ये देख, वो देख, कहां तेरा कैमरा बैन कोड हो रही? तू सारी समझ में तुझे? इसको फाड़, इसको फाड़, इसको फाड़ कैमरे को। हां इधर फाड़, इधर को। तू ना बुलाया ना, तू 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 ए मैं बेटी वाली मिली भगत है ना ये? तू हट जा, तूने पकड़ क्यों रहा है? है कौन तू? लिमिट, चुप बैठ, चुप बैठ। थप्पड़ क्यों मार रहा है मुझे बार बार? बताता हूं, इधर बैठ, चुप बैठ। तुझे पता है ये वीडियो कहां जा रही? देख कहां जा रही है, YouTube पर, Facebook पर जा रही है। तुझे सन उतार दूंगा तेरा, समझ में? तुझे कबीर के प्रैंक चैनल है। तूने जितने हाथ चलाए, तूने हाथ कैसे चलाए? हैं हाथ कैसे चलाए तुम्हें? तेरा कुत्ता बना दूंगा मैं। तूने जितनी बदमाशी दिखा रखी है इन दोनों से, जिंदगी हराम कर रखी है हमारी। डर क्यों रहा है बे? हैं डर क्यों रहा है? इधर खड़ो, हाथ दे, हाथ देख। तुम एक वीडियो सारी रिकॉर्ड होगी, सारी जाएगी। मैं तुझसे इतना प्यार किया है और तू मेरा ये सिला दे रही है, मेरे बाप पे ऐसे झूठे इंजाम लगा। इन दोनों की हमने शादी एक्सेप्ट कर ली छोटी उम्र में, इतना प्यार किया इसको बेटी के जैसा,
और ये मेरे पर इल्जाम लगा रही है। ये सारी चीज की अब जब समाज में जाएगी तो क्या होगा तेरा, तेरे घर वाले भी तुझे एक्सेप्ट ना करेंगे। भैया ऐसे मत करो। हाँ नहीं मुझे टच ऐसे मत करो तेरे में। ये सुन ये सुन तुम मना करो यार, तुम ऐसे मत करो। तुम ऐसे ही लाइन रुक रुक एक सेकंड, मैं बोला सुन मेरी बात, सुन मेरी बात, मैं बना रहा हूँ ना वीडियो, मेरे से बात कर। फिर मैंने घूसा मार दूंगा ना तो आधी धस जाएगी। आप ऐसे क्यों बात कर रहे हो भैया? तूने अच्छा तू कैसे करी थी इनसे बात? तूने बात तो करी ना, मेरा पति है ना। लेकिन अच्छा मैं पति है तो मारेगी। सुन बाप को पढ़ा छोड़ रही है, बाप को मार रही है। बैठ यहाँ पे, बैठ बैठ रही बैठ रही तो मुंह पे मारूंगा। भाई इधर बैठो, ओ इधर आवे, इधर आ वहाँ बेटा बैठ। जब से वो तूने ऐसा हाल करा इसका, एक तो दूसरा रेज का किरदार लगा, ऊपर से इसके बाप पे इल्जाम लगा रखे हैं। शर्म नहीं आ रही तुझे? दबंग बन रही है वो, भी हाथ चला रही है, इधर उधर को भाग के मार रही है। तो जो किया था मैंने दिया तुझे, तो किसी का बेबी। अब सॉरी ना, आई एम सॉरी बेबी। अच्छा बेबी, अब मैं माफ कर रही हूँ ना। ए, बेबी, बेबी के बाबा लिमिट में रहे, समझ में तुझे? भैया आप क्यों ऐसे कर रहे हो? हड़ियो सुन मेरी बात, वीडियो डिलीट करा दो। हाँ छोड़ वीडियो, वीडियो भैया हाथ छोड़ना, भैया प्लीज वो वीडियो डिलीट कर दो। भैया सुन मेरी बात बेबी, प्लीज पापा आप करा दो। पापा जी नहीं, मैं कोई पापा नहीं, कुछ नहीं होगा, आप कुछ नहीं होगा, आप करा दो मुझे। अब तुम्हें अपने घर पे देखना ही नहीं है। एक सेकंड मेरी बात सुन, मेरी तुझे एक चीज लिमिट में बात सुन, ज्यादा हिल डुल मत। तुझे मैं एक चीज बता रहा हूँ, ये जो 24 सारे ड्रामे है ना, ये सारे कैप्चर हो चुके हैं। अरे तेरा कुछ ना होने वाला, इन्होंने मुझे कही थी तेरा पीछे छुटवाने के लिए, समझ में तुझे? अब तू यहाँ से कट ले, ये वीडियो जाएगी थाने में जाएगी। पर बेबी तुम तो मेरे से बहुत प्यार करते थे ना, बस ना कर रहा क्या हो उस प्यार का? निकल आप प्लीज, वो वीडियो तो डिलीट कर दो भैया, वो वीडियो तो डिलीट कर दो ना। और चल निकल यहां से बेबी, आप वीडियो डिलीट करा दो। पापा जी आप करा दो। मैं बैठो यहाँ पर। देखो यार जो भी कुछ हुआ है वो सारा आपके सामने है, ठीक है? बहुत नहायत ही बदतमीज किस्म की लड़की थी जिसने तुम्हारे साथ ऐसा किया है। देख लिया भाई, अंधापन खत्म हो गया प्यार का, देख लिया। अब मेरे ऊपर विश्वास नहीं हो रहा था ना, अपनी बीवी पे विश्वास हो रहा था। तेरे में दो रहपट मारो, अपने बाप को गलत ठहरा था तू। जो तेरे को छोटे से पाल पोस के मैंने बड़ा किया, तुझे मेरे ऊपर विश्वास नहीं है। सॉरी सॉरी बोल रहा है, सॉरी। शर्म वाली शर्म नाम की चीज़ ना, बाप पे इल्जाम लगाएंगे। तो गाइस ये वीडियो मुझे ना यहीं पे ख़त्म करनी पड़ेगी, और देख ले तेरी वजह से कितना पछतावा होगा, तेरे बाप की इज्जत उछली है पूरे पार्क में, समझ में आई तुझे? तो गाइस ये वीडियो यहीं पे ख़त्म करो, अगर वीडियो ठीक लगी तो लाइक करना, कमेंट करना, शेयर करना। मैं मिलता हूँ आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लो, कबीर के प्रैंक के और ऑफिशियल कबीर जरूर, मेरा इंस्टाग्राम हैंडल यहाँ का दिख रहा होगा और फेसबुक के कबीर के प्रैंक, वहाँ जाकर फॉलो कर लो। मैं मिलता हूँ आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए चलो भाई तुम्हें वीडियो।